नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने भिलाई सिविक सेंटर में SDM के सुपरविजन में छापा मारा और कई जगह बासी खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया। कुछ बासी मटेरियल को नष्ट भी करवाया और सैंपल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। फूड वेंडर को टीम ने समझाइश की। सोमवार को सैंपल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार शहर में फैल रहे डायरिया और जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए लगातार विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग SDM मुकेश रावती द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा साथ में दी गई दबिश और लगभग 30 से 40 फूड वेंडर के यहाँ चेकिंग की गई और सैंपल लिए गए। और फूड विभाग की कार्रवाई जारी है, क्यों ये पूरी कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ पाया जा रहा है जांच में? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी जगह जो खाद्यान्न सामग्री जहां भी निर्माण होता है या बनता है उस जगह पे जांच करने के निर्देश हैं। शासन के भी निर्देश हैं ताकि जो ग्राहक हैं, जो आमजन हैं, उनको जो भी खाने का सामग्री बाहर पर जो भी खा रहे हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हो और सही खाना मिले, उसमें क्वालिटी में गिरावट ना हो। और जांच कंटिन्यू जारी की जा रही है। जैसे बारिश का समय है, हाइजीन की समस्याएं रहती है, बहुत सारी बीमारियों का भी समय रहता है। यदि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, खाद्य सामग्रियों के निर्माण में यदि क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बीमार पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर है वहाँ भी प्रॉपर जाँच की जा रही है। साथ ही फूड लाइसेंस भी सभी वेंडर को लेना अनिवार्य है, उस संबंध में भी जाँच की जा रही है कि विदाउट लाइसेंस कोई वेंडर संचालित तो नहीं कर रहा है। प्रॉपर जांच कंटिन्यू अभी चल रही है। सर, सिर्फ कार्रवाई सिर्फ जांच मतलब सुरक्षा रखने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दी? नहीं, कार्रवाई भी की जा रही है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस यदि किसी के पास नहीं पाया जा रहा तो उस वेंडर को बंद भी कराया जा रहा है। यदि लाइसेंस नहीं है और मानक के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है तो पर भी विधिवत जो कार्रवाई है फूड डिपार्टमेंट के आधार। बड़े होटल तक कब पहुंचेंगे? बड़े होटलों में भी कार्रवाई की गई है और सैंपल लेकर के प्रॉपर भेजा जा रहा है। कंटिन्यू अभी कार्रवाई जारी है। अशोका में बार बार चिकन निकल रहा है वेज थाली में, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिखी आप? अभी कंटिन्यू जैसे कि KFC हो गए, डोमिनोज सेंटर हो गए, बड़े होटल्स हो गए, और रही बात आप जिस बात की कर रहे हैं वहाँ भी जांच की जाएगी। कंटिन्यू अभी जांच जारी है। किन किन चीज़ों को लेकर के उनको समझाइश दी जा रही है? देखिए, जो भी फूड वेंडर हैं तो उनको स्वच्छता का ध्यान रखना है, लाइसेंस तो रहना अनिवार्य है, परंतु जो खाद्य सामग्रियाँ हैं खाद्य की सामग्रियों में स्वच्छता का भी ध्यान अनिवार्य रूप से रखा जाए।